हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सीएम संदीप। आज हम डिस्कस करेंगे 5 बेसिक फैक्टर्स टू लुक बिफोर सेलेक्टिंग अ शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा पी रेशो। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो का मतलब होता है आप कितने गुना प्राइस पे कर रहे हैं किसी शेयर को खरीदने में, कितने गुना प्राइस पे कर रहे हैं उसकी अर्निंग के मुकाबले। मान लीजिए उसकी अर्निंग हुई है 10 और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100, दैट मीन्स आप 10 गुना प्राइस पे कर रहे हैं उसकी अर्निंग के मुकाबले, किसी शेयर की अर्निंग के मुकाबले। तो जो इसकी सिलेक्टिव रेंज मानी जाती है 10 से 25 के बीच में मानी जाती है। दैट मीन 10 गुना और उससे ऊपर हो तो चलता है, अगर उससे नीचे चल रहा हो प्राइस तो दैट मीन्स वहाँ पर या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है या वो आपको देखना पड़ेगा, या तो वो अभी ही इशू हुई है, करंट में ही इशू हुई है, IPO उसका अभी हुआ है, तब सोचा जा सकता है। वरना उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो कि वो 10 से नीचे चल रही है। 25 से ऊपर चल रही है तो उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी, जैसे कि उस कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मानी जा रही होगी। मान लीजिए IRCTC का मैंने पी रेशो देखा था कुछ दिनों पहले, 65 के अराउंड चल रहा था, विच इज़ हाई, मोर हायर देन 25। तो IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है तो उसका चल सकता है, तो उन कंपनियों को भी ध्यान में रखिए, उनके कई आगे पीछे देखिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए। पी रेशो को कंपेयर कीजिए अपनी कंपनी से, पिछले कंपनी अपनी कंपनी के 10 साल के डेटा से, और अपनी कंपनी के पी रेशो को दूसरी कंपनी के पी रेशो से भी कंपेयर कीजिए। दो तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, या तो अपने आप से कंपेयर करना पिछले वाले से, या फिर करंट में ही किसी और कंपनी से कंपेयर करना। इन दो तरीक़ों से आप कंपेयर करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पी रेशो निकलता कैसे है दोस्तों? करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है बेसिक सा, आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, जो आपने शेयर को प्राइस खरीदने में पैसे दिए हैं उसके मुकाबले आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर आप ये शेयर का प्राइस अभी पे करेंगे तो आपको इतना डिविडेंड यील्ड परसेंटेज वाइज मिलेगा। वहीं करंट शेयर प्राइस अगर 45 हो जाता है तो वो 11% बढ़ गया, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है तो डिविडेंड भी बढ़ना चाहिए, तब वो पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिविडेंड हिस्ट्री। डिविडेंड यील्ड को देखते हुए ही हमने डिविडेंड हिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड हिस्ट्री क्या होता है? डिविडेंड हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? डिविडेंड हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है डिविडेंड में या नहीं हो रही है हर साल, तो उसकी ग्रोथ। और एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, पे आउट रेशो देख के भी हम ग्रोथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि पे आउट रेशो क्या होती है? पे आउट रेशो का मतलब होता है कितनी अर्निंग हुई है कंपनी को, अर्निंग के मुकाबले वो कितना डिविडेंड दे रही है पर शेयर पे। तो इसका फॉर्मूला निकल आता है हमारा डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अगर कोई कंपनी 10 या 10 से ज़्यादा सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ा रही है तो उसे कंपनी को हम डिविडेंड अचीवर बोलते हैं। एक टर्म है ये और कुछ नहीं है, डिविडेंड अचीवर बोलते हैं, सीख लीजिए तो सीख ही सकते हैं। रेवेन्यू एंड अर्निंग्स, मोस्टली केसेस में रेवेन्यू अर्निंग्स देखा जाता है, तो मैं भी यहाँ सजेस्ट करूँगा रेवेन्यू अर्निंग बहुत देखें, ज़रूर देखें। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तब ही फ़ायदा है, अगर वो लॉस में चल रही है तब तो आपको नुकसान ही है ना। ठीक है, हंसना बहुत हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है और अर्निंग भी बढ़ रही है लगातार, तो हमें एक और चीज़ कंपेयर करनी चाहिए जो होती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशो निकल आएगी। अब हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट रेशो हमारे 10 सालों के डेटा से कंपेयर करना है और अदर कंपनी के डेटा से भी हमें नेट प्रॉफिट रेशो कंपेयर करना है, कितने परसेंटेज इस बार हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेशो। इसके अंदर हम पता करते हैं कि कंपनी में कितनी ज़्यादा लाइबिलिटी है इक्विटी के मुकाबले, डेट मीन्स आपने कितना लोन लिया हुआ है इक्विटी के मुकाबले। अगर आपने लोन वगैरह सब कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिला के आपने किया हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशो आपकी आ रही है 2 से ऊपर, तो वो कंपनी खतरे में है। कुछ कंपनियों में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये रेशो आइडियल नहीं होती, 2 से ज़्यादा भी होती है, तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आगे ही मैं कुछ ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ लाता रहूँगा।